अजनी पुलिस स्टेशन अंतर्गत शताब्दी चौक बेल तरोड़ी रोड पर पुराने विवाद के चलते दो लोगों ने हमला कर दो लोगों को घायल कर दिया। इस घटना में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अजनी परिसर के बेल तरोड़ी शताब्दी चौक में लाड़ीकर लेआउट मानेवाड़ा निवासी फिरियादी रामकिशन वंशराज गुप्ता के साथ आरोपी प्लॉट नंबर 12 रमानगर निवासी अनिल शर्मा, रमानगर निवासी मोनू उर्फ मोहम्मद आरिफ सिकंदर अली, इन्होंने पुराने पैसों को लेकर विवाद किया। इस दौरान गाली गलौज कर लकड़ी के डंडे से सिर पर जोरदार प्रहार किया, इसमें वह जख्मी हो गया। साथ ही फिरियादी के साले भगवान दयाल गुप्ता पर भी हमला कर उन्हें जख्मी किया है। दिनांक 14 जून 2022 रोजी रात्री 10 वाजता दरमियान फिरियादी राम मिलन गुप्ता यांना त्यांनी सन 2019 जुनारदेव छिंदवाडा MP येथे एक पेंटिंगचं काम केलं होतं। त्या कामातील जे पैसे राहिले होते त्या पैशाच्या मागणीसाठी ते फॉरेस्ट ट्रेडिंग कंपनी शताब्दी चौक अजनी येथे त्याचे जे जुने पार्टनर होते आरोपी अनिल शर्मा व मोनू उर्फ आरिफ अली याला भेटायला तिथे गेले असता सदर कारणावरून त्यांच्यात वाद होऊन आरोपी अनिल शर्मा मोनू उर्फ आरिफ अली यांनी फिर्यादी राम मिलन गुप्ता याला मारहाण केली होती। सदर प्रकरणी फिर्यादी राम मिलन गुप्ता यांनी तक्रार दिल्यावरून सदर प्रकरणी अजनी पोलीस स्टेशन येथे CR 384/2022 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सदर प्रकरणात आरोपी अनिल शर्मा आरिफ अली उर्फ मोनू यांना अटक करण्यात आलेली आहे। यातील आरोपी जो आहे अनिल शर्मा हा बाय प्रोफेशन कार्पेंटर आहे व आरिफ अली उर्फ मोनू हा पेंटिंगचं काम करतो आणि तो याच्या आधी पार्टनरशिपमध्ये फिर्यादीसोबत पेंटिंगचं काम करत होता। त्यांचं यापूर्वीचं काहीही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नाही। इस घटना की शिकायत पुलिस में की गई। पुलिस ने विविध धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख BCN News नागपुर।